हाँ जी, तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में सरकार क्यों है, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे भविष्य में अपडेट आपको मिल सके। बाकी बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करिएगा, जिससे एक भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो हाल ही में सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया, जिसके पश्चात टीचर्स को राजस्थान के किसी भी जिले में आवेदन करने की अनुमति मिल गई। इस नियम बदलाव के पश्चात बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग को आवेदन प्राप्त हुए। सूत्रों की माने तो करीब 40,000 आवेदन इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रतिनियुक्ति के लिए प्राप्त हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक इंटरव्यू की प्रक्रिया के संबंध में कोई सूचना प्रकाशित नहीं की। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार इस प्रक्रिया को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार चुनावी समय में किसी भी तरह का विवाद मोल नहीं लेना चाहती। नए नियमों के मुताबिक आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर टीचर्स का चयन किया जाना था, लेकिन आवेदन उम्मीद से ज्यादा प्राप्त हो गए और चुनाव भी बिल्कुल पास है। सरकार पेपर लीक के प्रकरण से पहले ही परेशान है। ऐसे में इस चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में भाई भतीजावाद के आरोप से सरकार पूरी तरह बसना चाहती है। वहीं शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में इंटरव्यू की प्रक्रिया के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।